दिन पर। प्रदेश सरकार द्वारा हलाल प्रमाणित उत्पादों की बिक्री व आपूर्ति पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। जनपद में बुधवार को भी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा विभिन्न शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉलों के फूड कोर्ट में हलाल प्रमाणित उत्पादों को जब्त करने के लिए अभियान चलाया गया। इसी क्रम में सहायक खाद्य अधिकारी कुमार गुंजन के नेतृत्व में टीम ने शहर के विभिन्न शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मॉलों में पहुंचकर खाद्य पदार्थों की जांच की, जिसमें पैडलेगंज में स्थित एक स्टोर पर भारी संख्या में प्रतिबंधित हलाल प्रमाणित उत्पाद पाए गए, जिन्हें कब्जे में लेकर नष्ट कराते हुए उनके नमूनों का संग्रह भी किया गया। साथ ही शहर में 4 अन्य टीमें लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही हैं। हर जगह ही मुलाकात हो रहा है, लेकिन इसे ये क्या मिला कुछ? चेन में नहीं आएगा, ये गलत है, हटा दो। ये ले जाएगा, वो करेगा, वो जो ले जाएगा वो तो जेल जाएगा जाएगा। ये सब जब्तीकरण में जब्त हो गया है। थोड़े बहुत नाराज में नुकसान ना करा, इसमें समझ नहीं रहे वो तो ऐसे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सहायक खाद्य अधिकारी कुमार गुंजन ने बताया, देखिए शासन की ओर से निर्देश आया हुआ था कि हलाल सर्टिफाइड जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया गया था। उसी शासन के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने विभिन्न जगह पर छापेमारी की है। यहीं पे पैडलेगंज में हम लोगों ने यहाँ पे 24/7 एक स्टोर है, यहाँ पे हमें कई प्रकार के खाद्य पदार्थ पाए गए हैं जिस पर हलाल सर्टिफाइड है, जिनको हम लोग तत्काल नष्ट करा रहे हैं और उनका नमूना भी लिया जा रहा है। और बाकी शहरों में हमारी करीब 4 टीम और लगी हुई है जो इस तरह की कार्रवाई कर रही है, वहाँ भी संभवतः आज प्राप्त होने की सूचना है हमें। सर शासन से इसको लेकर क्या गाइडलाइन जारी हुआ, इन लोगों के खिलाफ किस तरह कार्रवाई की? देखिए अभी फिलहाल अभी इनको जो है कि उनके जो खाद्य पदार्थ हैं उनको प्रतिबंध किया गया है जो हलाल सर्टिफाइड है, और ये मुख्यतः ये सब एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, कुछ लोकल मार्केट में बिक रहे थे, तो उसी के संदर्भ में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इस पर अभी रोक लगाया गया है और जब तक गाइडलाइन नया निर्देश जारी किया जाएगा वो उसकी सूचना आपको लगते दी जाएगी। अभी किन किन प्रोडक्ट पे सर हलाल सब लिखा? देखिए लगभग सभी खाद्य पदार्थों में हलाल फूड सर्टिफाइड किया गया है, चावल, आटा, कैंडी, टॉफी, मीट प्रोडक्ट, चाउमीन, पास्ता, अचार, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, इवन सब पे इस तरह की चीज़ों पर हलाल प्रोडक्ट का वो किया गया है, सर्टिफाई किया गया है। और दुकानदारों से क्या कहना चाहेंगे? दुकानदारों से देखिए शासन की ओर से जब से निर्देश आया है हम दुकानदारों से निवेदन करना चाहेंगे कि इसका प्रोडक्ट को तत्काल
विभाग को अवगत कराएं, सूचित कराएं, जिससे खाद्य पदार्थों को हम लोग मार्केट से हटाने में उनका सही